हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग एंड पोएट्री यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है प्यार से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फायदे और नुकसान। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है। जो हमारा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम है स्टीयरिंग का जो कि हमारे चारों टायर्स को कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे जो हमारी सिंपल कार होती हैं, मीन्स जो ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, नॉर्मल कार्स होती हैं, उसमें टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम लगा होता है। टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का मतलब यह है जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो सिर्फ हमारे अगले दो पहिए यानी कि फ्रंट व्हील्स दोनों ही इधर उधर मुड़ते हैं, लेफ्ट राइट। ये होता है टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। लेकिन फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, जब हम स्टीयरिंग को मोड़ते हैं राइट और लेफ्ट, तो क्या होता है, हमारा जो व्हील्स होते हैं तो हमारी कार्स के, वो चारों व्हील्स मुड़ते हैं उसके साथ ही। तो ये हमारा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो हमारा फोर व्हील ड्राइव से बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है मैं बताता हूँ। जो हमारा वो फोर व्हील ड्राइव है वो क्या करता है, वो इंजन से पावर लेके हमारे व्हील्स को देता है जिससे हमारा व्हील्स आगे मूव करता है, मीन्स हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन जो हमारा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम है उसका सिर्फ इतना काम है, वो हमारे व्हील्स को मोमेंट देता है लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए, यानी जो व्हील उसको मोमेंट देता है जिससे वो लेफ्ट और राइट मुड़ सके, उसे कहते हैं हम फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। जो हमारा फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम है ये हमारी दो फेसेस में काम करता है। इसके दो फेसेस कौन कौन से हैं, पहला है हमारा काउंटर फेस स्टेयरिंग और दूसरा है हमारा इन फेस स्टेयरिंग। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले काउंटर फेस स्टेयरिंग के बारे में। जो हमारा काउंटर फेस स्टेयरिंग सिस्टम होता है ये हमारा तब काम करता है, ये गाड़ी में लगा होता है, ये हमारा जो स्टेयरिंग सिस्टम होता है ये हमारा स्लो स्पीड के लिए होता है, जैसे कि 40 से 50 तक KMPH तक या किलोमीटर प्रति घंटे तक हमारी गाड़ी चल रही है इस बीच या फिर इससे नीचे, तब हमारा इसमें काउंटर फेस स्टीयरिंग सिस्टम लगता है। मीन्स जब हमारी गाड़ी इतनी स्पीड में होती है तब हम अगर अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट मोड़ेंगे स्टीयरिंग की हेल्प से, तब ये काम कैसे करेगा मैं बताता हूँ। मान लो हम अपनी गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ रहे हैं, जब हम अपनी गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ते हैं तो काउंटर फेस स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब हम गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ेंगे तो अगले जो दोनों पहिए होंगे, फ्रंट व्हील्स होंगे, वो स्टीयरिंग के साथ राइट की तरफ ही मुड़ेंगे। लेकिन जो हमारे पीछे के पहिए होंगे उसमें जो टर्निंग फोर्स लगेगा, टर्निंग फोर्स जो लगेगा वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ लगेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा ट्रांसफर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जो हमारी फोर्स ट्रांसफर होती है फ्रंट व्हील से हमारे रियर व्हील्स को, वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस वजह से इसमें जो मोमेंट पैदा होता है, अगर हम राइट में मोड़ते हैं तो हमारे फ्रंट व्हील्स राइट में मुड़ते हैं, लेकिन हमारा जो पीछे के दोनों पहिए होते हैं रियर व्हील्स, वो हमारे स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं। तो इससे हमारा एक फायदा होता है जो कि है हमारा जो हमारा टर्निंग रेडियस होता है वो कम हो जाता है। उसके कम होने से एक फायदा क्या होता है कि हम कम जगह में भी अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो ये हमारा फायदा होता है काउंटर स्टीयरिंग सिस्टम से। और ये स्टीयरिंग सिस्टम गाड़ी में ऑलरेडी दोनों सिस्टम लगे होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था काउंटर स्टीयरिंग सिस्टम और सेकंड क्या बताया था, इन फेस स्टीयरिंग सिस्टम। अब बात करते हैं इन फेस स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। इन फेस स्टीयरिंग सिस्टम हमारा वहां तुरंत वर्क करता है जब गाड़ी हमारी 50 KMPH या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा क्रॉस कर जाए, तब हमारा इन फेस स्टीयरिंग सिस्टम वर्क करता है। इसमें क्या होता है, जब हम अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट मोड़ते हैं तो ये वर्क करता है। मान लो कि हमने अपनी गाड़ी को लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ मोड़ा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रंट व्हील होगा वो तो राइट की तरफ मुड़ेगा ही मुड़ेगा,
लेकिन साथ में हमारा जो रेयर व्हील्स होंगे, पिछले दोनों पहिए होंगे, वो भी राइट की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो पावर ट्रांसमिशन होता है शाफ्ट से फ्रंट व्हील से टू रेयर व्हील्स में, वो सेम डायरेक्शन में होता है। इस वजह से हमारा जो इसमें रोटेशन आता है दोनों व्हील्स में, मतलब फ्रंट व्हील्स और हमारे रेयर व्हील्स में, वो सेम डायरेक्शन में आता है। तो इसका हमारे पास एक फायदा होता है कि हमारा जो हम गाड़ी को अपनी मोड़ते हैं तब वो सेम डायरेक्शन में ही मुड़ता है, तो इससे हमारी गाड़ी में स्टेबिलिटी आ जाती है और हम अपनी गाड़ी को मोर कंफर्टेबली चला सकते हैं, हमें इसमें स्टेबिलिटी महसूस होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने जो हमारी फोर व्हील्स स्टीयरिंग सिस्टम है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। इसका जो सबसे पहला एडवांटेजेस है, जैसा कि मैंने अभी काउंटर स्टीयरिंग सिस्टम में बताया कि जो हमारा जो टर्निंग रेडियस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम कम डिस्टेंस में भी, मींस कम जगह में भी अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। अब इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो है हमारा स्टेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने इन फेज स्टीयरिंग सिस्टम में बताया कि मोर स्टेबल हो जाता है हमारा गाड़ी, तो इससे क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हम अपनी गाड़ी को मोर एक्यूरेटली हैंडल कर सकते हैं इस सिस्टम की हेल्प से। अब इसका जो अगला एडवांटेज है वो है क्विकर स्टेयरिंग रिस्पॉन्स। क्विकर स्टेयरिंग रिस्पॉन्स वो होता है, जैसे हमने अपनी गाड़ी को मूवमेंट दिया लेफ्ट की तरफ स्टेयरिंग की हेल्प से, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा ना व्हील को, वो तुरंत ही मिल जाएगा इस स्टेयरिंग सिस्टम में, फोर व्हील स्टेयरिंग सिस्टम की हेल्प से। अब जो इसका अगला एडवांटेज है वो है बेटर सेफ्टी, क्योंकि इसमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है हमारी स्टेयरिंग से हमारे व्हील्स को, तो क्विक रिस्पॉन्स की वजह से ही हमारी सेफ्टी भी बढ़ जाती है। क्यों? मान लो कि कोई मोड़ आ गया और हमें तुरंत मोड़ना है और टाइम कम है और जगह भी कम है, तो फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम लगा होता है तो वो तुरंत ही रिस्पॉन्स देके तुरंत ही उसे मोड़ देता है, तो सेफ्टी हमारी बढ़ जाती है। अब इसके अगला जो एडवांटेज है वो है फास्टर लेन चेंज। जब हम हाईवे पे होते हैं तो हमारे हाईवे पे बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, लेन्स होती हैं, फोर लेन हाईवे जैसे है, तो उसमें एक लेन से दूसरे लेन में हमें जाना है, तो हम एक लेन से दूसरे लेन में जाने के लिए बहुत जल्दी हम इसको मूव कर सकते हैं फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम की हेल्प से। और इससे इससे क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को जल्दी ओवरटेक भी कर सकते हैं। अब ये रहे इसके एडवांटेजेस, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेजेस है वो है एडवांटेज है वो है हमारा स्टेयरिंग फेलियर का। तो इसमें जो स्टेयरिंग फेलियर होता है वो मोर चांस हो जाता है कि हमारे स्टेयरिंग फेलियर हो जाए, क्योंकि जो इसमें पार्ट्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कार्ड्स लगे होते हैं इसमें, जिसके फेलियर के चांस ज्यादा होते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी अगर फेल हो जाए, अगर एक भी खराब हो जाए हमारा स्टेयरिंग का पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सारे पार्ट्स में इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे हमारा स्टेयरिंग का फेलियर ज्यादा रहता है। अब इसके बाद जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट। जो हमारी ये कार्स होती हैं फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम वाली, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, जो कि जिसको मैन्युफैक्चर करना, जिसके पार्ट्स लगाना, ये हमें बहुत ज्यादा ही कॉस्ट देते हैं, ठीक है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है और साथ में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। तो ये थे हमारे वीडियो फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम पे, जिसमें मैंने बताया फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो हमारी ये वीडियो आज की कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।